हम बनाएंगे पूरी। ये हमारा 1 किलो आटा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पाव सूजी, 1 पाव हम सूजी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। हम इसको गूंदेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदेंगे, नॉर्मली गूंदेंगे, इससे हमारी पूरी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें कोई तेल, कोई खाने का सोडा, कुछ चीज़ नहीं डालेंगे। हमारा आटा गूंद गया है, हमें इतना ही नरम आटा चाहिए क्योंकि ये 20 मिनट रखने से टाइट हो जाएगा। हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम बनाएंगे पूरी के साथ के लिए आलू। तो ये 1 केजी आलू हैं जिनको हमने छील के धो के काट। 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे पहले धुले हुए पत्ते। इसमें डालेंगे 4 लाल मिर्च, डालेंगे आलू, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको भूनेंगे। दो टमाटर हमने इनको काट लिया। 1 चम्मच भर के नमक, 1/2 चम्मच और डाल। और हमारा नमक बिल्कुल सही। चाहिए 2 चुटकी हींग, 2 पिंच हींग के साथ हरी मिर्च डाल। इसको 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारी सब्जी गल गई है, अब हम इसको घोटेंगे, हल्का सा इसको मैश करेंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से घुट गई है। सब्जी हमारी तैयार है, अब हम पूरी बनाएंगे।